आज विश्व जैव विविधता दिवस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान में समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण, विवेकपूर्ण उपभोग और स्थानीय निवासियों को इससे उचित लाभ दिलाने वाला महत्वपूर्ण अधिनियम महज एक दिखावा साबित हो रहा है। देश में जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू होने के 8 साल बाद राजस्थान सरकार ने 2010 में राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया, लेकिन एक दशक गुजर जाने के बाद भी इसके प्रावधान धरातल पर नहीं उतर पाए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बायोडायवर्सिटी बोर्ड में अभी तक ना तो सदस्यों की नियुक्ति की गई है और न ही जिला और स्थानीय निकाय या पंचायत स्तर पर किसी प्रकार की समितियों का गठन हो पाया है, जिसे राज्य में एक नाम का बोर्ड बनकर रह गया है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार बढ़ते मानवीय दबाव और विभिन्न कारणों से विश्व में तेजी से लुप्त होती प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए 1992-93 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत देश में अस्तित्व में आए जैव विविधता अधिनियम पर राजस्थान में अब तक बोर्ड बनाने के अलावा कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे राज्य सरकारों के पर्यावरण विरोधी नीतियां व जिम्मेदार अधिकारियों के पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीनता प्रमुख है। अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से राज्य में वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, साथ ही कई लुप्त होने के कगार पर है। आपको बता दें कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का 2/3 भूभाग थार के मरुस्थल का हिस्सा है। मध्य में विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली और विंध्याचल के पठार की विविधता, तो दक्षिण पूर्व में चंबल घाटी, वहीं उत्तर पश्चिम में इंदिरा गांधी नहर की समृद्ध विरासत मौजूद है। अपनी विशेष भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशिष्टताओं के चलते मरु प्रदेश में सदियों से विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों के साथ समृद्ध वनस्पतियों का भी अनुपम खजाना रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन के साथ ही इसमें अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति भी हो गई। शुरुआती दौर में कुछ प्रयास जरूर किए गए, लेकिन बाद में हालात ढाक के दो पात वाले हो गए। दरअसल अधिनियम के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रबंधन समितियों का गठन कर विशेषज्ञों का मनोनयन करना था, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक अमले की उदासीनता के चलते जैव विविधता संरक्षण को लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद व शहरी निकाय में बनाई जाने वाली कमेटियों का काम ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में प्रदेश में जैव विविधता को लेकर होने वाले काम ठप पड़े हैं। ऐसे में जैव विविधता को संरक्षित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।